भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2019 में एकलव्य आवासीय विद्यालय योजना को नया रूप दिया। जनजातीय बहुल 452 ब्लॉक में नए स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। आदिवासी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के माध्यम तो है ही है, यहाँ स्पोर्ट्स, खेलकूद जो यहाँ के बच्चों का सामर्थ्य है और स्किल डेवलपमेंट, हुनर, हाथ के अंदर सामर्थ्य देना, स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी उसमें सुविधाएं होंगी। पुरानी योजना के तहत पहले से ही स्वीकृत 288 स्कूलों और नए 452 स्कूलों के साथ 2026 तक 740 स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य है। इन एकलव्य विद्यालयों में हर साल लगभग 3.5 लाख छात्र अध्ययन करेंगे। इस परियोजना के लिए 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निर्धारित की गई है। EMRS के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती केंद्रीय पद्धति से की जाएगी। फिलहाल 257 स्कूल निर्माणाधीन है और पिछले 1.5 साल में 48 स्कूलों का निर्माण पूरा हो गया है। प्रत्येक स्कूल में 16 कक्षाएं हैं और 480 छात्र शिक्षा लेंगे। स्कूलों में एक छात्रावास, मेस और शिक्षकों के लिए आवासीय सुविधा, खेल मैदान, कंप्यूटर प्रयोगशालाएं और 3 विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं। इन स्कूलों में कौशल विकास और करियर काउंसलिंग की सुविधा भी होगी। स्कूल ग्रीन बिल्डिंग होंगे जिसमें निर्माण और रखरखाव के लिए पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जनजातीय बच्चों की क्रीड़ा प्रतिभा को संवारने के लिए 15 उत्कृष्ट क्रीड़ा केंद्रों की व्यवस्था एकलव्य विद्यालयों में की जाएगी। ये प्रयास EMRS को आदिवासी बच्चों के समग्र विकास और सशक्तिकरण केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद करेंगे। उड़ीसा राज्य के लिए स्वीकृत 106 विद्यालयों में से 32 विद्यालय कार्यशील हैं। 31 विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, 48 विद्यालय निर्माणाधीन है एवं 27 विद्यालय का निर्माण शुरू होना है। माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों से पूर्व में आंध्र प्रदेश के 4 एवं तेलंगाना के 2 एकलव्य विद्यालयों का लोकार्पण किया जा चुका है। इसी क्रम में माननीय राष्ट्रपति द्वारा आज उड़ीसा के मयूरभंज जिले में EMRS कोलियाना का लोकार्पण किया जा रहा है, जो इस क्षेत्र के जनजातीय छात्र छात्राओं के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।